अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक सोल्यूशन देने जा रहा हूँ जो आज का सबसे बड़ा इशू चल रहा है वॉलमार्ट कैंसिलेशन का। मेरे बहुत सारे दोस्त स्टूडेंट्स ने मैसेज किए, सर कोई ऐसा हमें कोई ट्रिक बताएं या कोई ऐसा कोई आइडिया दें या फिर कोई ऐसा अकाउंट दें जिस पे हमारे जो वॉलमार्ट के कैंसिलेशन रेशो कम हो जाए, वॉलमार्ट के ऑर्डर कैंसिल ना हो। लेकिन आज से 6-7 माह पहले ऑर्डर इतने कैंसिल नहीं होते थे। वो वाले ऑर्डर कैंसिल होते थे जो मेन रीजंस होते थे, या इनवैलिड क्रेडिट कार्ड आप यूज करते थे या फिर एड्रेस वेरीफाई नहीं कर सकता था वॉलमार्ट, तो इन 2-3 रीजंस की वजह से ऑर्डर कैंसिल होते थे, अदरवाइज नहीं होते थे। आजकल बहुत सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं, वो इस वजह से हो रहे हैं जब से हम लोगों ने इस पे फ्रॉड स्टार्ट किया है, कोडिंग स्टार्ट कर दी है और रिफंड लेना स्टार्ट कर दिए हैं। तो इस तरह की जब से हम लोगों ने एक्टिविटीज स्टार्ट की हैं तो वॉलमार्ट क्या सिक्योर हो गया, उसने बोला कि यार ये फ्रॉड होने लग गया। ठीक है, जब हम किसी का कार्ड यूज करेंगे ना, जैसे हम कार्ड यूज करेंगे उस ओनर को पता चलेगा कि यार मेरे कार्ड से क्या परचेजिंग हुई है, हुई कौन सी वेबसाइट से, वॉलमार्ट से, तो वो वॉलमार्ट पे केस करता है, डिस्प्यूट ओपन कर देता है। ठीक है, जब जैसे डिस्प्यूट ओपन करता है वॉलमार्ट को पता चल जाता है कि इस आईडी वाले बंदे ने, इस अकाउंट वाले ने क्या वो फ्रॉड किया, वो सारे ऑर्डर कैंसिल कर देता है। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे सोल्यूशन निकाले थे, जैसे आए वीपीएन वगैरह हो गया या वीपीएस हो गया या आईपी वगैरह चेंज करके देखी, हम लोगों ने नेक्स्ट न्यू विंडो में ओपन करके देखा, तो उस वक्त वक्ती तौर पे थोड़ा सा क्या ये प्रॉब्लम कम हुआ था, लेकिन आजकल फिर वही पीक पर चल रहा है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग कौन सा अकाउंट वॉलमार्ट पे बनाए जिस पे क्या ऑर्डर कम सॉरी ऑर्डर कैंसिल नहीं हो गए। चलो स्टार्ट करते हैं, इधर आते हैं। सबसे पहले मैं यहां क्या लिखूंगा, बिजनेस वॉलमार्ट अकाउंट। ओके, बिजनेस वॉलमार्ट अकाउंट, यहां ये थे बिजनेस वॉलमार्ट अकाउंट। यहां आप लोगों के सामने ये वाला इंटरफेस शो होगा। ये पहले जैसे हम लोग एक नॉर्मल अकाउंट बनाते थे ना वॉलमार्ट परचेजिंग के लिए, तो इसी तरह का क्या यही इंटरफेस होता था। ठीक है, तो यहां जस्ट ये है कि बिजनेस लिखा हुआ, वहां लिखा होता था वॉलमार्ट। ओके, हम सबसे पहले आएंगे यहां, यहां आके क्या करेंगे, अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे पहले की तरह जैसे पहले अकाउंट क्रिएट करते थे। यहां आके हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अपनी मेल दे देते हैं जो हम लोगों ने, जिस पे हम लोगों ने बनाना है। जैसे मैं कहता हूं ईसीए डेमो क्लास लेक्चर @gmail.com। ओके, यह क्या लिखा हुआ, ईसीए डेमो क्लास लेक्चर्स @gmail.com। मैंने जैसे इस पे क्लिक किया तो वो कहते हैं क्या, आगे पहले जैसे अपना नेम इंटर करें, मैंने बोला ईसीए, आगे एजेंसी के चलो कर दें एजेंसी। ओके, अपना पासवर्ड सेट करें। देखें हम लोगों ने जब पासवर्ड बनाना है तो इन 3 चीजों को, ये 3 जो स्टेप्स हैं इनको फॉलो करना है। ये वॉलमार्ट की तरफ से है कि भाई आप लोगों ने ये 3 चीजों को फॉलो करना, जैसे आपका कोई करेक्टर्स होने चाहिए या फिर लोअर लेटर्स वगैरह होने चाहिए या फिर आपका कोई अगर स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। ओके, जैसे ये हम लोगों ने बोला कि ये ग्रीन टिक हो गया, हम लोगों ने क्रिएट बिजनेस अकाउंट। ओके, देखें आप लोगों का बिजनेस, आपका जो अकाउंट है वो तो आप लोगों का बन गया, लेकिन अब वो क्या मांग रहा है हम लोगों से, बिजनेस की डिटेल। क्यों, हम लोगों ने जो बिजनेस अकाउंट बनाना है ना, तो इसके लिए उन्होंने बोला है कि हमें बिजनेस की क्या डॉक्यूमेंटेशन दी, हमें कोई बिजनेस के जो डॉक्यूमेंट है वो प्रोवाइड करें। तो यहां आके क्वेश्चन होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार आप फेक यूज कर लें यहां पे, ये कर लें वो कर लें, तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि अगर आप लोगों ने इसे एक लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज करना है, आप लोगों ने इसको फ्यूचर में भी यूज करना है, तो आप क्या करें, यहां अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दें जो उनसे भी आप लोगों का बिजनेस रजिस्टर्ड है, आपकी कॉर्पोरेशन है, आपका LTD है, आपकी LLC, आपकी LC, कोई भी आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, वो क्या अपने डॉक्यूमेंट्स दें। इसका बेनिफिट ये होगा, अगर आप वैलिड डॉक्यूमेंट वॉलमार्ट को प्रोवाइड करेंगे तो इन फ्यूचर अगर वो आप लोगों से जो उनसे दूसरी वेरिफिकेशन मांगता है, ठीक है, तो कल को वो जैसे वेरिफिकेशन सेंड करेगा आप वो उनको क्या प्रोवाइड कर देंगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह। ओके, तो इससे क्या आने वाले वक्तों में जो आपको प्रॉब्लम होगा वो उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप यहां फेक एंटर कर देंगे तो कल को आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, वॉलमार्ट अगर डॉक्यूमेंट मांग लेते तो आप नहीं प्रोवाइड करेंगे, आपका अकाउंट क्या खत्म हो जाएगा।
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर अगर हम लोग भी वॉलमार्ट का अकाउंट बनाना चाह रहे हैं बिजनेस, लेकिन हमारे पास बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स नहीं, हम तो क्या थर्ड पार्टी हम सर्विस दे रहे हैं, तो भाई उनके लिए है कि वो यहाँ क्या करें अपना फेक इन्फॉर्मेशन यूज कर लें, जब तक उनके ये चलेगा चलेगा, उसके बाद क्या न्यू क्रिएट कर लें। तो ऐसे होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो ओरिजिनल जिनके डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ ओरिजिनल करेंगे, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनका हल यही है कि मैं यहाँ कहता हूँ सन बेस एक वेबसाइट है कॉपी, ठीक है, इस पर जाएं, जहां से आप लोगों को क्या मिल जाएगी अपनी एलएलसी मिल जाएगी, जो एलसी एलएलसी एलटीडी वगैरह जो भी जिस नाम की आपने करना वो यहां एंटर करेंगे, जैसे मैंने बोला यौन बट। ओके, यहां देखें इसका, देख ये आप लोगों का क्या है क्या। ओके, ये सारा कॉर्पोरेशन नेम आ गया आपके। ओके, यहाँ डॉक्यूमेंट्स नंबर आ गया आपका, और यहाँ क्या स्टेट है वो एक्टिव हुआ इनएक्टिव हुआ कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम लोगों ने वो वाली एलएलसी उठानी है जो एक्टिव हो, हमने इनएक्टिव में उठाना। यहाँ ये फॉर एग्जाम्पल ये वाली एक्टिव है, मैंने इस पर क्लिक किया, एक क्लिक करके जैसे ये मुझे मिल गया। ओके, यहां से क्या है ये हमारा क्या है कंपनी नेम। ओके, ये फ्लोरिडा की बनी है, ये सारा ये नंबर वगैरह हर चीज उसने प्रोवाइड कर दिया, प्रिंसिपल एड्रेस, मेलिंग एड्रेस, रजिस्ट्रेशन एजेंट नेम, उसका एड्रेस, हर चीज यहाँ पे क्या एनुअल रिपोर्ट, सारी चीज उन्होंने निकाल के रख दी। ओके, यहाँ अपना ये एंट्री करें, उसके बाद वो मांगता है अपना ईएन नंबर, 9 डिजिट का होता है। ओके, यहाँ यहाँ आके अपना फोन नंबर प्रोवाइड कर दें, कोई भी प्रोवाइड कर दें यहाँ पे आप, मैं कहता हूँ। ओके, यहाँ अपना आके एड्रेस दे दें, एड्रेस कौन सा है आपका, ये ओके टेम्पा, ये हो गया, और ये क्या है फ्लोरिडा, FL फ्लोरिडा। यहाँ आके मैं क्या करता हूँ क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी ये क्या अपना ई नंबर, ई सॉरी ये 8 डिजिट का था, तो 2 6 7 2। ओके, देखें आप लोगों का क्या हो गया, बिजनेस जो अकाउंट था आप लोगों का वॉलमार्ट क्या वो क्रिएट हो गया। ओके, जैसे अब लोग आप क्या कर सकते हैं यहां से परचेजिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट आगे अगला जो क्वेश्चन है कि सर हम लोगों क्या करना है, जो अंडर $35 है वो वाले भी ऑर्डर हम लोगों ने परचेज करने हैं बिजनेस अकाउंट से, तो उसके लिए क्या हमें वॉलमार्ट प्लस की मेंबरशिप लेनी पड़ती है। ओके, अगर हम मेंबरशिप लेंगे, इधर देखें वॉलमार्ट मेंबरशिप पे आएंगे, यहां देखें जो वॉलमार्ट प्लस का सबसे, वॉलमार्ट प्लस जो बिजनेस प्लस है ना उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ना वो ये है, वो 90 डेज का क्या देता है आप लोगों को फ्री ट्रायल देता है। जो आप हम लोगों का जो सिंपल अकाउंट होता था ना आमतौर पे, तो वो क्या होता था हमें 30 डेज का फ्री ट्रायल देता था वॉलमार्ट प्लस के लिए, तो जब हम एक्सटेंड करते थे वो 45 डेज का ट्रायल कर देता था, उसके बाद क्या करता था हम लोगों से वो मंथली या एनुअली फीस चार्ज करता था। तो वॉलमार्ट प्लस बिजनेस है जो उसका यह है कि सबसे बड़ा बेनिफिट वो 90 डेज का फ्री ट्रायल देता है। हम ट्रायल पे क्लिक करेंगे। ओके, जैसे हम लोग ट्रायल पे क्लिक करेंगे यहां क्वेश्चन आता है कार्ड ऐड करना है, तो अगर हमारे पास कार्ड है तो ठीक है, वरना क्या हम लोग यहां फेक यूज कर सकते हैं। ओके, लेकिन मैं कहता हूं अगर ओरिजिनल भी कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फेक भी कर लें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें से क्या फीस तो कटनी नहीं है, ठीक है, हम लोगों ने क्या उसे प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए कुछ बंदे कहते हैं कि सर हमें डर लगता है, हो सकता है हमारी जो फीस जो उसके $98 जो उसकी फीस है वो ना कट कर ले, ये वो उनके लिए है कि वो क्या अपना फेक जो कार्ड है वो जनरेट कर लें। यहाँ VVC जनरेटर, ओके, ये इस पर क्लिक करें, ये देखें आपका ये आ गई, ये वाली आपके पास मतलब के वेबसाइट ओपन हो जाएगी, क्रेडिट कार्ड जनरेटर। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब आप लोग इससे कार्ड जनरेट करेंगे वो अपनी मर्जी का आप कार्ड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी का आप कंट्री रख सकते हैं, अपनी मर्जी का आप स्टेट रख सकते हैं, अपनी मर्जी की आप क्या बैंक अकाउंट बना सकते हैं, अपनी मर्जी का कार्ड बना सकते हैं, अपनी मर्जी का एक्सपायरी ईच एंड एवरीथिंग आप क्या अपनी मर्जी के यहाँ एंट्री कर सकते हैं, उसको आप फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं। ओके, देखें यहाँ क्या है ब्रांड, ब्रांड को मैं कहता हूँ अमेरिकन एक्सप्रेस करना मैंने, और कंट्री कौन सा है हमारा यूनाइटेड स्टेट। ओके, यूनाइटेड स्टेट आ गया, थर्ड वन क्या अकाउंट का बैंक अकाउंट कौन सा है अमेरिकन एक्सप्रेस, उसके बाद हमारा वो कहता है पिन कोड मतलब अपना सेट कर लें, उसके बाद कब आपका कार्ड एक्सपायर हो। ओके, मैंने क्या बोला कि 2027 को एक्सपायर हो, वो कहता है कितनी पेमेंट, मैं कहता भाई इतनी पेमेंट हो, कितनी कौन कितने कार्ड बनाने हैं, मैंने बोला 5। ओके, जनरेट व्यू रिजल्ट,
रिजल्ट शो आपके इस जगह शो होंगे। देखें आपका कार्ड 1 2 3 4 5 आपके पांच कार्ड क्या यहां शो होने लगे हैं, उसने बना के दे दिया आपका कार्ड नंबर है, ये आपका बैंक है, ये आपका नेम है, ये आपका स्टेट या कंट्री, इसमें बैलेंस कितना, हर चीज क्या यहां शो हो रही है। ठीक है, तो इसको इस कार्ड को आप किसी भी वेबसाइट पे जो एज ए ट्रायल कार्ड मांगती है आप वहां यूज कर सकते हैं। और ये किस डेट तक वैलिड रहेगा, यहां तक जब तक आप लोगों ने क्या ये इसको सेट किया हुआ है। ओके, अब क्या हम लोगों ने यहां अपने कार्ड की डिटेल ऐड करनी है। ओके, ऐड कार्ड, कार्ड पे आएंगे तो कार्ड नंबर यहां से उठाया, उसके बाद नेम क्या है कार्ड पे, ये वाला। ओके, एक्सपायरी डेट ये है इसका पिन। देखिए जो अपना दूसरा होता है ना अमेरिकन एक्सप्रेस, उसका सीवीवी नहीं होता, इसका पिन कोड होता है 4 डिजिट का। अमेरिकन एक्सप्रेस का हमेशा 4 डिजिट का होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे इसका 4 डिजिट का, ये 727 को होगा। ओके, 727 यहाँ के हम लोगों ने पिन एंटर कर दिया। उसके बाद वो कहता है एड्रेस, एड्रेस हम लोगों ने वो अपना प्रीवियस भी यूज कर सकते हैं, वही जो हम लोगों ने दिया था यहाँ 307। यहाँ स्टेट कौन सी हमारी फ्लोरिडा, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, ओके कोई बात नहीं। ओके, क्या कोई बात नहीं, हम अपना सेकंड कार्ड एंटर कर देंगे यहाँ पे। देखिए ये वाला कार्ड है, ये वाला एंटर कर देते हैं, कोई बात। के नाम का ये, ओके इसके 727 है, पिन इसका ये है, यहाँ ये वाला कर दिया एंटर हर चीज। ओके, इसका भी हम लोगों ने यहाँ से अपना सारा डाटा उठाया। ओके, यहाँ पे हम ये ये देखें आप लोगों का कार्ड जो अमेरिकन एक्सप्रेस का जो आप लोगों ने खुद जनरेट किया था वो क्या हो गया, ऐड हो गया। उसके बाद हम क्या इसको ट्रायल के लिए अप्लाई करेंगे, स्टार्ट ट्रायल। देखें आप लोगों का जो बिजनेस जो वार्म अप प्लस का जो ट्रायल था 90 डेज का, सॉरी वो क्या हो गया, एक्टिव हो गया। आपका कब दोबारा आप वो आप लोगों का जो ट्रायल एंड होगा वो कब होगा। ओके, इधर देखें अब हम लोग चेक करना है कि क्या हमारा जो ट्रायल है वो एक्टिव हुआ या नहीं हुआ। यहां के देखें ये लिखा हुआ जो ऑर्गेनाइजेशन वार्म प्लस बिजनेस प्लस ट्रायल एंड इन 90 डेज, वो कहता है 90 डेज के बाद आपका क्या होगा, ट्रायल एंड होगा। इसके बाद ये देखें आप लोगों का कार्ड लगा हुआ है हर चीज। देखें इस कार्ड को आप लोग सिर्फ उन जगहों पे यूज कर सकते हैं जिन जगह पे वो सिक्योरिटी के लिए पहले ट्रायल के लिए कार्ड की डिमांड करते हैं, आप वहां पे ये वाला एंटर कर सकते हैं, ये हमेशा वहां वर्क करेगा। आप लोग इसको वैलिड के लिए मतलब परचेजिंग के लिए इसको कार्ड को नहीं यूज कर सकते। हम लोग चेक करने के हमारी यहां से भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमें मेंबरशिप मिली है या नहीं मिली। मैनेज मेंबरशिप पे आएंगे, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, देखिए एनुअल प्लान जो हमारा एक्टिव हो गया, उसके बाद ठीक है, और सॉरी हमारा 90 डेज का क्या हो गया, ट्रायल एक्टिव हो गया। उसके बाद जो अब हमारा 90 डेज के बाद हमारा जो एनुअल प्लान स्टार्ट होगा वो होगा $98 का। ओके, ये देखें इसी तरह हमारा जो बिजनेस दूसरा वॉलमार्ट बिजनेस अकाउंट बन जाएगा, इससे हमारे ऑर्डर कैंसिल होंगे, इस तरह हमारे जो ऑर्डर की कैंसिलेशन रेशियो है वो कम हो जाएगी। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए भी ये बहुत मुफीद होगा, क्योंकि हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, इससे ऑर्डर कैंसिल नहीं हो रहा है। तो इसके अलावा जो भाई जो भी बंदा इसको देख रहा है, अगर उसके पास इससे भी कोई बेटर प्लान है काइंडली वो कमेंट में करें, वो हमें भी मतलब के सीखने का मौका दें। अगर किसी बंदे के पास और भी कोई किसी बात का या किसी किस्म का उन्होंने पूछना है तो वो कमेंट सेशन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उसका क्या जवाब दूंगा जल्दी। अस्सलाम वालेकुम।